हेलो फ्रेंड्स, दुनियादारी की इस दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मेरे गाड़ी की पहली सर्विसिंग है और शोरूम में जाकर हम बात करेंगे कि शोरूम में सर्विसिंग किस टाइप की होती है और वो क्या करने वाले हैं हमारे गाड़ी के फर्स्ट सर्विसिंग में। तो हम सीधा अभी शोरूम चलते हैं और शोरूम जाके हम देखेंगे। स्टे ट्यून विथ मी, दिस इज शशांक। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग टाटा शोरूम में पहुंच चुके हैं और आगे की प्रोसेस क्या होती है टाटा शोरूम की तरफ से और टाटा शोरूम सर्विस कैसी देता है और किस प्रकार की सर्विसिंग करता है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। हाय गाइस, एज एक्सपेक्टेड टाटा मोटर्स मेरे कैमरे को अलाउ नहीं किया अंदर। पता नहीं ये लोग कैमरा अंदर अलाउ करने को क्यों मना करते हैं, समझ में नहीं आता। आप टाटा कंपनी अंदर ही 500 कैमरा अंदर लगा के रखती है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, और अगर कस्टमर अगर कैमरा अंदर ले जाने को रिक्वेस्ट करे तो उनको आप मना करते हो क्यों, ऐसा पता नहीं। ठीक है, वो तो अभी उनका पर्सनल मैटर है, अभी हमको अलाउ नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं। मेरी पहली सर्विसिंग हो चुकी है क्योंकि एज़ यूजुअल पहली सर्विसिंग में कुछ भी नहीं करते, बस थोड़ा बहुत चेकअप करेंगे आपका ऑयल लेवल, टायर चेक करेंगे, कुछ सब कुछ लाइट एसी वगैरह सब कुछ चालू है कि नहीं वो चेक करेंगे। मुझे ये बिल थमाया इन्होंने, जीरो है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये जीरो है। सिर्फ उसमें इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड चेक किया है वॉशिंग एंड वैक्यूम, जो कि मेरी पेंडिंग है। वॉशिंग और वैक्यूम जो है, इन्होंने बोला कि हमारी जो मशीन है वो ख़राब हो चुकी है और इन्होंने इसमें पेंडिंग लिखा हुआ है। सो और फर्स्ट सर्विसिंग जो फ्री है, अब वो उसमें जो भी वो करते होंगे उन्होंने किया, बस इतना ही था। अब मेरा वॉशिंग और वैक्यूम जो बचा हुआ है, अब टाटा की सर्विस प्लीज़ आप सुधारिए प्लीज़। आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं, आपके टाटा नेक्सोन इतना अच्छा ग्रो कर रही है आपकी गाड़ी, टाटा प्लीज़ अपनी सर्विस सुधारिए प्लीज़। अभी कुछ नहीं, वॉशिंग और वैक्यूम इन्होंने बोला है जब मशीन चालू होंगी आपको कॉल कर दिया जाएगा, भगवान भरोसे कब मशीन चालू होती है क्या पता। सो बस यहीं तक था दोस्तों। भाई दोस्तों, मेरी पहली सर्विसिंग हो चुकी है, पहली सर्विसिंग में लगा नहीं सर्विस हुई है, फिर भी अभी सभी अब कंपनी ने रूल बनाए हैं तो ठीक है। अभी नेक्स्ट सर्विसिंग हम 6 महीने के बाद में मैनुअल बुक में लिखा हुआ है। सो बस इतना ही था। सो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।